से आप ही लोग अनुशासन को नहीं मानोगे तो फिर देख लियो कल जब हम भी अनुशासनहीनता कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जगह ये खाली पड़ी है, जो साथी पीछे बात कर रहे हैं भाई, ये मेरे बुजुर्ग बात कर रहे हैं, आ जाओ भाई आके एक बार, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि कोई ज्यादा भाषण नहीं होंगे, सबसे पहले भाई कुलदीप कहा गया, कुलदीप कुछ कहना चाह रहा है, भाई कुलदीप का होगा उसकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम भाई जो पीछे खड़े हैं भाई एक बार आ जाओ, आगे आ जाओ, मैं पलों का कहूं भाई जो गमछा टांग रहे गले में, आ जाओ मेरे भाई, बड़े भाई आ जाओ, बैठ गए सारे के सारे, और ध्यान तो सुनियो सारे के सारे भाई जो पीछे खड़े हैं, और मीडिया वाले भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के यह विनती है कि मीडिया वाले भाई थोड़ी देर के बाद बेशक अपनी बाइक ले ले, एक बार जो बातचीत होनी है वो बातचीत एक बार सुन लो, उसके बाद आराम से आपको बाइट भी देंगे सारे जिसकी आप बाइट लेना चाहोगे। आपका बहुत बहुत योगदान है इस आंदोलन में, हम उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाओगा आपका आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में होगा। आपके बहुत धन्यवाद दिए हैं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हो, पर आपसे हाथ जोड़ के एक बार विनती है, थोड़ी देर के लिए आप भी थोड़ा धैर्य बना के रखो, आप भी कोई बाइट मत लो, और आगे हमारे साथी देखो भाई सारे भाई बैठ गए हैं, पीछे में कुछ भाई हैं, एक बार कोई भाई जाके भाई उन्हें कहे गाओ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, एक बार सारे साथी आगे बैठ जाओ और आगे की कार्रवाई ध्यान से सुनो भाई। हाँ भाई कुलदीप साथी, मेरे जितनी माता बहन चाचे ताऊ जितने भी किसान परिवार है सबको तो हाथ जोड़ के राम राम। और भाई हमें तो प्रशासन ने कड़ा शब्द में एक चेतावनी दिया हाँ, रोजाए रूट के बिगे एक घंटे का टाइम जहाँ अच्छा तो एक घंटा में प्रशासन की मैं करा नहीं, रोजाए गेड़ा शाम करते हैं, शाम के साथ बजाते हैं, तो आप एक घंटा पाछा कमेटी बैठेगी, अगला फैसला कमेटी लेगी, ठोस फैसला लेके जाइयो, कदे आए रूट के बिगे, मेरी तो यह आपको निवेदन है भाई। भाई ये देखो ये साथी जो है ये वहां से भी आगे जींद बदोवाल टोल प्लाजा से आए होंगे, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का, वो सब रियासा लगे जिसके आगे से जितेंगे राखी हजरगढ़ से भाई 500 रूपये, अजीत चौधरी तिरमाया 500 रूपये, राज्य राम सनोवीर से ढाया से 500 रूपये, जगदीश मदन हेड़ी 500 रूपये, किसान यूनियन मौखिक जोखरा कमेटी 400 रूपये, सरोज बिचपड़ी 500 रूपये, कुलदीप राणा के नाम के आए हैं ये पीछे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लंगर सेवा की पर्ची है भाई, जो पीछे में लंगर चल रहा, हाँ जी लिखा दिया भाई ने, सरपंच 1000 रूपये लंगर सेवा के लिए भाई, 200 रूपये गुप्त दान से दस से कर ला रहे तो 2 लाख जी से भाई गुप्त दान आ रहे, अजीत खाजी 500 रूपये, जगदीश अच्छा हुआ 500 ले रहे, जगदीश 200 रूपये, मदन हेड़ी और भाई कीर्ति ठाकुर जेपी जाखड़ है 500 रूपये, हसी से जेपी जाखड़ भाई 2100 रूपये प्रसिद्ध दिए थे इस भाई ने, 3300 कुलदीप के नाम के दिए थे, बहुत बढ़िया, कितने बड़ा देख आप शिक्षा ही होगा उसे बड़े बात बना है, ठीक है ना भाई कुलदीप भाई, किसान मजदूर एकता संगठन हाथी की टीम आई है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, किसान से दो बाटी बहुत बढ़िया, तमाम किसान सरदारी को प्रतीक जंखड़ जी हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो आज जो गुरु नानक जी का पर्व है उनकी बधाई, और दूसरा आज जो 1.5 साल पहले जो हमारी गर्दन से जो तलवार लटकाई थी
उसको संपत्ति आने पे बोल के हम तो किसान साथियों को बधाई बहुत बहुत बधाई जो बोल के माइक पर ले जाओ उसके साथ साथ आज जो हम इकट्ठा हुए हैं भाई कुलदीप को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए कोई तो कह धन्य हो सर धन की सेवा करते धन की सेवा करते हम तो कहा तन मन धन जो छावर है कुलदीप की जब होगा इतने हम यहाँ से जाएंगे नहीं ये हमारा संकल्प है धन्यवाद दो गाड़ी रायपुर से दो गाड़ी में चलते हैं दो गाड़ी सिंगवा खास से पांच गाड़ी दी गई पानीपत से और भाई राजस्थान से दो टक्के पहले बोल दिए पांच गाड़ी गांव कंडेला खास से दो गाड़ी दुबड़गन गांव काजान खास से देखो ना दुबड़गन तक आ रहे थे दो गाड़ी बहुत बढ़िया सभी का स्वागत है भाई या जो कुलदीप ने बात कही थी ना मैं एक बार फिर कहूँ इस बात में इन्होंने ये कहा था कि भाई हम भारद्वाज जीत नहीं है हम न्याय के पक्ष में आए हैं यहाँ पर आवाज भाई मैं जाऊँगा ये हम न्याय लेने खातिर आए हैं भाई एक बार दोबारा कहूँ कुलदीप वाली बात में ये हमारी जिद नहीं है हम प्रशासन से बातचीत करके न्यायपूर्ण और सम्मानजनक हल करने के लिए आए भाई एक घंटे के भीतर भीतर हमारी इस धरने की तरफ से ये बात प्रशासन तक पहुंचा दो कि वो बातचीत के लिए इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर इतला भेज दे धरने के ऊपर उसके बाद आगे की जो है ना वो कार्रवाई चलेगी ये एक घंटे का बोल रहा है समय भाई वैसे बात बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी 12 बजे भाई कुलदीप ने बोला था कि एक घंटा प्रशासन को देते हैं सीआईडी सिक्योरिटी वाले ध्यान दो मैं अकेले कुलदीप ने नहीं कही थी वो बात ये एक विचार विमर्श करके कही गई बात थी 1 बजे तक का समय देते हैं हमें 1 बजे तक सीआईडी सिक्योरिटी के साथी ध्यान से सुन ले 1 बजे